नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही यूट्यूब चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो विंटर के सीज़न में आप कौन कौन से फ्लावर उगा सकते हैं। वैसे तो विंटर में बहुत सारे फ्लावर है और सारा जो फ्लावर है वो एक वीडियो में शायद कंप्लीट हो भी नहीं पा रहा है क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सीड्स को 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में लगा ही लीजिएगा क्योंकि कोई भी प्लांट को ग्रो होने के लिए 2 से 2.5 महीने तक लग जाते हैं। इसीलिए तो आपको अक्टूबर के लास्ट से या अक्टूबर के मिडल से फ्लावर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, नाम बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूँ क्योंकि पूरा वीडियो शायद बहुत जने ना भी देखे, इसीलिए मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इसके लिए आपको वेलड्रेन सॉइल चाहिए। वेलड्रेन सॉइल के लिए आप जो है 1% जो है खाद ले लीजिएगा और 1% जो है अपना नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1% सैंड। इस जो मिक्सचर में आप किसी भी तरह के फ्लावर को लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा आपका जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विंटर फ्लावर जो भी आप अभी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। आप गजानिया के जो फ्लावर है वो इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कलर अवेलेबल है, पीला, सफ़ेद, नारंगी, और दोस्तों ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं तो आप ज़रूर इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेंथस का, या स्वीट विलियम भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, शेडेड भी आते हैं, डबल पेटल भी आता है और ये भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। अगला जो प्लांट है वो डहलिया का प्लांट है। इसमें भी काफ़ी सारे फ्लावर के कलर आते हैं और दोस्तों ये काफ़ी बड़ा फूल होता है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये फ्लावर। अगला जो मेरा प्लांट है क्राइसेंथिमम कोरोनेरियम है, या इसे गुलदावरी भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी बड़े साइज के फूल होते हैं और बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल होता है। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है क्राइसेंथिमम बाबूना है और ये भी गुलदावरी ही बोलते हैं। ये वाइट और येलो कलर में ही अवेलेबल होता है और शेडेड में भी मिलता है और काफ़ी सुंदर दिखता है फूल। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है हॉलीहॉक का प्लांट है और दोस्तों ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं और काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। इसमें भी रजनीगंधा की तरह जो है स्पाइक्स निकलते हैं और वो काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट होता है। तो इसको अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पॉट जो है वो बड़े साइज़ का लीजिएगा और इसमें काफ़ी वेराइटीज़ है कलर के भी। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है वो एलेसिया का प्लांट है। ये हॉलीहॉक प्रजाति से ही बिलोंग करता है, बस ये डबल पेटल का होता है और इसमें भी उतने ही कलर वेराइटीज़ होती है जितने हॉलीहॉक में होते हैं। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है वो पॉपी रेड है। ये पोस्ता फूल होता है, इसमें रेड कलर बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें एक और वेराइटीज़ होती है जो पॉपी कैलिफोर्निया का होता है और उसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ होती है। दोस्तों, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको ये कैलिफोर्निया पॉपी है और ये भी काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है मैरीगोल्ड या गेंदे के फूल है और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसे ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए होता है। इसमें 2 वेराइटीज़ चलती है, फ्रेंच या अमेरिकन का जो वेराइटीज़ है इसमें काफ़ी चलता है। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है वो डेजी का प्लांट है और ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। वाइट कलर इसमें सबसे ज़्यादा चलता है बट इसमें कलर वेराइटीज़ भी काफ़ी है। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है वो सीनेरेरिया का प्लांट है और ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। इसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ है, पीला, सफ़ेद, नारंगी, गुलाबी, ये सारे कलर इसमें अवेलेबल है। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है कैलुंडुला का प्लांट है और ये काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं। इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों ही आता है। इसमें ऑरेंज और येलो कलर जो है बहुत ही कॉमन कलर है और काफ़ी सुंदर दिखता है ये फ्लावर। दोस्तों, अगला जो मेरा प्लांट है वो लूपिन फ्लावर है। इसमें येलो, वाइट, ऑरेंज, पिंक या ब्लू कलर भी अवेलेबल होता है और ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। गुच्छों में फ्लावर आता है और काफ़ी सुंदर दिखता है दोस्तों इसके फ्लावर। दोस्तों, अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है पैंसी फ्लावर है और इसका जो फूल होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल डॉगी के फेस की तरह दिखता है और बहुत ही क्यूट लगता है। इसमें येलो, वाइट, पिंक, ब्लू सारे कलर अवेलेबल होते हैं। अगला जो मेरा प्लांट है दोस्तों वो स्वीट पी है और ये बिल्कुल मटर के जो फूल होते हैं वैसे दिखते हैं, थोड़े से बड़े साइज का होता है और इसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ है। ये एक वाइन है दोस्तों।
दोस्तों, और काफ़ी सारे कलर अवेलेबल होता है, येलो, वाइट, पिंक या पर्पल कलर भी इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो अगला जो मेरा प्लांट है स्टॉक फ्लावर का है, और इसमें भी काफ़ी सुंदर फूल होते हैं और काफ़ी सारे वेराइटीज़ होते हैं। इसमें पिंक और पर्पल कलर जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है। दोस्तों अगला जो मेरा प्लांट है वो फ्लॉक्स फ्लावर का प्लांट है, और ये काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं दोस्तों इसमें, और वेराइटीज़ भी काफ़ी होती है। ये काफ़ी हद तक विंका की तरह दिखते हैं और गुच्छों में फूल आता है इसके। दोस्तों अगला जो मेरा प्लांट है नेमेशिया का फ्लावर है, और इसमें भी काफ़ी सारे कलर अवेलेबल होते हैं, येलो, वाइट, पिंक, ऑरेंज, ये सारे कलर इसमें अवेलेबल होते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं और काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। दोस्तों अगला जो मेरा प्लांट है लरकशपुर का फ्लावर है, और ये काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं और एक साथ जो है स्पाइक्स में बहुत सारे फूल होते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है जिस तरह का, इस तरह का होता है, कलर वेराइटीज़ में इसमें काफ़ी है। तो अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है डाइमोरफोन्टिका का फ्लावर है, और ये काफ़ी सुंदर होते हैं और इसमें भी दोस्तों काफ़ी कलर है, येलो, ऑरेंज, क्रीम, पिंक, ये सारे कलर इसमें अवेलेबल होता है। दोस्तों अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है वो क्लेरिकिया का फ्लावर है, और ये भी काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। काफ़ी हद तक ये डेंथस के फूल की तरह ही दिखता है और बहुत ही सुंदर होते हैं, और इसे भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है कैंडी टूफ्ट का फ्लावर है, और इसमें रेड, वाइट, पर्पल, पिंक, ये सारे कलर अवेलेबल होते हैं दोस्तों। इसमें छोटे छोटे फूल मिलकर एक बड़ा फूल बनाता है और ये भी काफ़ी सुंदर दिखता है। दोस्तों अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है ब्रैचिक कम फ्लावर है, और ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं। इसमें पर्पल और पिंक कलर जो है सबसे ज़्यादा चलता है, तो आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है एंटी रिन हीनम का फ्लावर का प्लांट है, और ये भी दोस्तों एक साथ गुच्छों में काफ़ी फूल आते हैं और इसमें भी कलर वेराइटीज़ बहुत सारी है, तो आप इसे भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगला जो मेरा फ्लावर का प्लांट है वो एलेसियम का फ्लावर है, इसमें वाइट और ब्लू और पर्पल कलर काफ़ी चलता है और ये काफ़ी छोटे छोटे फूल होते हैं और जो है गुच्छों में फूल आते हैं, तो आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों विंटर का जो फ्लावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक वीडियो में कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं पार्ट वन और पार्ट टू में कंप्लीट करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।